हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो एड्रेस स्पेस रहते हैं, एड्रेस स्पेस को क्लासफुल एड्रेसिंग में कुछ क्लास में क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो जो एड्रेस स्पेस है, तो एड्रेस स्पेस को क्या करे हुआ है, कुछ क्लासेस में डिवाइड करे हुआ है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ओके, तो द क्लासफुल एड्रेसिंग द एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू फाइव क्लासेस। ओके, तो इन क्लासफुल एड्रेसिंग जो एड्रेस स्पेस रहेंगे तो फाइव क्लासेस में उसने क्या करे हुए हैं, डिवाइड करे हुए हैं। तो कौन से है, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ओके, ये फाइव क्लासेस में उसने क्या करे हुआ है, उसको डिवाइड करे हुआ है एड्रेस स्पेस को। तो देन बाइनरी नोटेशन यूज करके कैसे जो क्लास है, तो क्लास एड्रेस कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, तो फाइंडिंग द क्लास इन बाइनरी नोटेशन, फाइंडिंग द क्लास इन बाइनरी नोटेशन, बाइनरी नोटेशन यूज करके अपने को क्लास यहाँ पे फाइंड करे हुआ है। जो फाइव क्लासेस में वो उसने डिवाइड करे हुआ है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो कौन से क्लास में अपने को एड्रेस दे हुआ रहेगा, वो अपने को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो एड्रेस है आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस टोटल जो लेंथ है अपनी कितनी लेंथ है, 32 बिट, बोले तो कितने 4 बाइट, कितने बाइट की टोटल लेंथ होंगी, 4 बाइट। तो फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट एंड फोर्थ बाइट। ओके, तो इसका इसका मीनिंग क्या है कि 8 बिट, अगेन 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, टोटल लेंथ कितनी है, आईपी V4 की लेंथ कितनी है, 32 बिट। ओके, तो 32 बिट में से उसने क्या करे हुआ है, जो एड्रेस है उसको क्या करे हुआ है, फोर ग्रुप में डिवाइड करे हुआ है। फोर ग्रुप बोले तो क्या होगा, पर बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 एंड 4 बाइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो क्लास ए, जो क्लास ए, तो क्लास ए में जो बाइनरी नोटेशंस 0 से स्टार्ट है, जो एड्रेस क्या है यहाँ पे बाइनरी में 0 से स्टार्ट है, तो वो एड्रेस अपन क्या कहलाएंगे, उसको क्लास ए एड्रेस। ओके, क्या कहेंगे अपन उसको, क्लास ए एड्रेस। देन क्लास बी, तो क्लास बी 1 0। ओके, तो फर्स्ट बिट वन एंड सेकंड बिट 0, देन विल बी द क्लास बी, उसको क्या कहेंगे अपन, क्लास बी। देन क्लास सी 1 1 0। ओके, तो फर्स्ट 3 बिट 1 1 एंड 0, इस तरह से रहेंगे, तो क्या कौन सा क्लास कहेंगे उसको, क्लास सी। देन क्लास डी, तो क्लास डी में तो देखिए, फर्स्ट 4 बिट 1 1 1 0। ओके, तो यहाँ पे 1 1 1 0 रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे अपन, क्लास डी। एंड क्लास ई, तो 1 1 1 1, 4 टाइम 1, तो बोले तो उसको क्या कहेंगे अपन, क्लास ई एड्रेस। ओके, तो इस तरह से बाइनरी नोटेशन यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस क्लास फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट बिट, ओके, तो फर्स्ट बिट 0 जो रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे अपन, क्लास ए। देन क्लास बी में देखिए, फर्स्ट बिट 0 एंड सेकंड बिट विल बी द, सॉरी, फर्स्ट बिट 1 एंड सेकंड बिट विल बी द 0, देन द उसको क्या कहेंगे, क्लास बी। ओके, देन थर्ड बिट क्लास सी, तो क्लास सी में क्या रहेगा कि फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 1 एंड थर्ड बिट विल बी द 0, देन द उसको क्या कहेंगे, क्लास सी। वैसे ही क्लास डी, क्लास डी में कैसे पहचानेंगे उसको, 1, फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 1, थर्ड बिट 1 एंड फोर्थ बिट क्या रहेंगे वहाँ पर 0, उसको क्या, तो वो क्लास को क्या कहेंगे अपन, क्लास डी एड्रेस। ओके, देन क्लास सी एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 1, थर्ड बिट 1 एंड फोर्थ बिट 1, तो उसको क्या, वो एड्रेस कौन सा रहेंगे वहाँ पर, क्लास ई एड्रेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि क्लास ए में, तो क्लास ए में कितने एड्रेसेस वहाँ पर अपने को मिलेंगे, तो क्लास ए 2 रेस टू 31,
ओके, 2 raise to 31 जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इतने ये बहुत ये सारे सब एड्रेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये नंबर जो है तो ये एड्रेसेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, तो एक एग्जांपल क्या है, डिफाइन द क्लास ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, फाइंड द क्लास ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो कुछ बाइनरी नोटेशन यूज करके आईपी एड्रेस दिए हुए हैं, यहाँ पर बाइनरी नोटेशन यूज करे हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट एड्रेस एंड सेकंड एड्रेस, तो यहाँ पे दो एड्रेस अपने को दिए हुए हैं। तो ये दो एड्रेस अपने को कौन से क्लास में आते हैं ये फाइंड करना है। ओके, तो अपन ने देखा पीछे कि फर्स्ट बिट इज जीरो, ओके, फर्स्ट बिट इज अ जीरो, हेंस इट इज अ क्लास ए, उसको क्या कहेंगे अपन, क्लास ए। तो ये जो फर्स्ट बिट है, तो फर्स्ट बिट जीरो से कभी स्टार्ट हुआ तो उसको क्या कहेंगे अपन, क्लास ए एड्रेस। देन सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 1, थर्ड बिट 0, ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड बिट आर 1 एंड थर्ड बिट इज 0, हेंस द क्लास सी, उसको क्या कहेंगे अपन, क्लास सी। ओके, तो देन सेम जो क्लासेस रहेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास डी, तो उसको बाइनरी नोटेशन से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पर डेसिमल नोटेशन यूज करके भी उसको फाइंड कर सकते हैं। तो एड्रेस का भी अपने को बाइनरी नोटेशन में दिए हुआ रहेंगे तो अपने को अपन ने पीछे देखा तो उसको कैसे फाइंड किया जाता है, अभी एड्रेस का अपने को डेसिमल में नोटेशन में रहेंगे तो अपने को एड्रेस कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो कुछ क्लास है कि यहाँ पे रेंज रहेंगे 0 to 127, ओके, जो डेसिमल है 0 से 127 इन बिटवीन, तो इन बिटवीन जो डेसिमल रहेंगे उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट बाइट, ओके, फर्स्ट बाइट क्या रहेगा 0 to 127 के बीच में, तो उसको क्या कहेंगे, क्लास ए एड्रेस। ओके, तो फॉर एग्जांपल कुछ एड्रेस है 132, ओके, तो 132.0.1.1, ओके, तो ये एड्रेस कैसे का, फर्स्ट बाइट का कौन सा है इसका, 132, ओके, तो 132 नहीं, अपने को क्या है कि क्लास ए में लेना है इसको, तो क्लास ए का रेंज कितनी अपनी 0 to 127, ओके, तो 0 to 127 इन बिटवीन, तो अपने को 121.0.1.1, 121 फर्स्ट बाइट क्या है यहाँ पर 121, तो बोले तो उसको क्या कहेंगे अपन, क्लास ए एड्रेस। ओके, तो उसको क्या कहेंगे, क्लास ए। तो 0 से लेकर 127 के बीच में फर्स्ट बाइट की वैल्यू जो भी रहेंगी यहाँ पे, ओके, तो उससे अपन क्या करेंगे उसको, वो कौन से क्लास में है तो उसको फाइंड कर सकते हैं, तो वो कौन सा क्लास रहेगा, क्लास ए। ओके, देन क्लास बी, तो क्लास बी की रेंज कितनी रहेंगी, 128 to 191, ओके, क्लास बी की रेंज कितनी रहेंगी, 128 to 191 डेसिमल नोटेशन। ओके, देन क्लास सी 192 to 223, ओके, 192 to 223, देन क्लास डी 224 to 239, ओके, देन क्लास ई 240 to 255, ओके, तो लास्ट रेंज क्या रहेंगे, 255। तो इस तरह से डेसिमल नोटेशन यूज करके अपन क्लासेस उसके क्लासफुल एड्रेसिंग में क्लास को फाइंड कर सकते हैं कौन से क्लास का एड्रेस है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगेन डेसिमल नोटेशन का कुछ एड्रेसेस दिए हुए डेसिमल नोटेशन में, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड द क्लास ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस। ओके, तो जो क्या एग्जांपल दे हुए हैं, तो उस आई पी एड्रेस दे हुए हैं उससे अपने को क्या करना है, उसका क्लास फाइंड करना है। तो 158.158.223.1.108, तो जो आई पी एड्रेस है, तो फर्स्ट बाइट क्या है, 158, फर्स्ट बाइट क्या है यहाँ पर 158, तो वो क्या है कि 128 से इज लेस देन 158 इज लेस देन 191, ओके, 128 इज लेस देन 158 इज लेस देन 191, तो 191 से वो क्या है, लेस है, ओके, यानी और किसके आगे है, 127 के, ओके, तो उसको क्या कहेंगे, क्लास बी एड्रेस, अपन क्या कहेंगे उसको, क्लास बी एड्रेस। सेकंड एग्जांपल 227.13.14.88, ओके, तो इसमें क्या है, फर्स्ट बाइट क्या है,
227, ओके, तो फर्स्ट बाइट क्या है यहाँ पर 227, तो 227 क्या है, 224 इज लेस देन 227 इज लेस देन 239, तो ये कौन से रेंज में आता है, क्लास डी के रेंज में, ओके। 127 किसके बीच में आता है, आपने देखा कि पीछे पीछे की ये देखिए आप 0 से 127 इन बिटवीन रहे तो क्लास ए, यानी 128 to 191 रहे तो क्लास बी, 192 to 223 रहे तो उसकी वो कौन सा है, क्लास सी। देन क्लास डी में क्या है, 224 to 239, तो क्या है क्लास डी, यानी क्लास सी 240 to 255, ओके। तो यहाँ पे अपना जो एग्जांपल है तो क्या है अपना 227, ओके, 227 किसके बीच में आएंगे, 224 to 239 इन बिटवीन, ओके। तो क्या वो कौन सा रहेंगे, क्लास डी एड्रेस, ओके, उसको उसको क्या कहेंगे, क्लास डी एड्रेस, ओके। देन आईपी एड्रेस विद द अपेंडिंग पोर्ट नंबर, ओके, तो कुछ आईपी एड्रेस कुछ डिफरेंट तरीके से अपने को वहाँ पे मेंशन करेंगे रहेंगे, तो वहाँ पे कैसे उसको कैसे फाइंड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए तो फोर्थ ऑक्टेट बिफोर कोलन इज द आईपी एड्रेस, ओके। तो यहाँ पे जो दिख रहा है कोलन, तो कोलन के बिफोर तो क्या है 158.128.1.108, तो ये क्या है अपना आईपी एड्रेस। देन कोलन के बाद द नंबर ऑफ कोलन 25, जो नंबर है कोलन के आफ्टर कोलन, देन द उसको क्या कहेंगे, द पोर्ट नंबर, उसको क्या है वो कौन सी वैल्यू है, पोर्ट नंबर, ओके। देन जो अपना एड्रेसेस है आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस को दो पार्ट्स में क्या करेगा वहाँ पर डिवाइड करेगा, एक है तो नेट आईडी, अनदर है तो होस्ट आईडी, ओके। तो नेट आईडी और होस्ट आईडी, तो नेटवर्क एड्रेस आईडी और होस्ट आईडी, ओके। तो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में उसको दो पार्ट्स में वहाँ पे क्या करेगा डिवाइड करेगा जो एड्रेस स्पेस रहेंगे उसको, ठीक है। तो क्लास ए का जो एड्रेस स्पेस है तो कितना, टोटल कितना है 32 byte, ओके। उसकी साइज कितनी है 32 bit, कितनी बीट है 32 bit, तो फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट एंड फोर्थ बाइट बोले तो 32 bit, ओके। तो फर्स्ट जो बाइट है दैट विल बी द, उसको क्या रहेंगे, क्लास ए का नेट आईडी, ओके, वहाँ पर क्या रहेंगे वो नेट आईडी। एंड अनदर जो रिमेनिंग थ्री बाइट्स विल बी द होस्ट आईडी, वहाँ पर क्या रहेंगे वो होस्ट आईडी। देन क्लास बी में फर्स्ट टू बाइट विल बी द नेट आईडी, ओके। क्लास बी में क्या रहेंगे वो नेट आईडी, एंड अनदर टू बाइट विल बी द होस्ट आईडी, ओके। अनदर टू बाइट्स क्या रहेंगे वहाँ पर होस्ट आईडी। देन क्लास सी में पहले 3 bytes विल बी द नेट आईडी, एंड अनदर 1 byte विल बी द होस्ट आईडी। देन क्लास डी मल्टीकास्ट एड्रेस, ओके। तो यहाँ पे क्या है, टोटल जो एड्रेसेस रहेंगे वो किस काय के वास्ते रहेंगे, वहाँ पर मल्टीकास्टिंग के वास्ते, ठीक है। देन क्लास ई, तो क्लास ई जो है तो यहाँ पर रिजर्व फॉर द फ्यूचर वर्क और यूज, ओके, रिजर्व फॉर द फ्यूचर वर्क और यूज, उसके वास्ते वहाँ पर वो रहेंगे, ठीक है। देन ओके, थैंक यू।